ये बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखो यहाँ पर ध्यान से देख पढ़ रीड कीजिए। ए पॉलीगॉन हैज 27 डायगोनल्स, ठीक है, पॉलीगॉन के डायगोनल गिवन इसमें, हाउ मेनी साइड डज इट हैव। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस पॉलीगॉन की साइड कितनी है, ठीक है, 27 डायगोनल है। तो बिल्कुल ईजी है, फॉर्मूला हम वही अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 20 में किया है और उसी से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल याद रखना है 27 है, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स लिख लेते हैं पहले, नंबर ऑफ डायगोनल्स। इक्वल टू 27, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करनी है। लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगन इक्वल टू एन। ये बच्चों जो नंबर ऑफ डायगोनल है ना, ये पॉलीगन के हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आप चाहे तो इसमें लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर यानी नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन ऐसे लिख लेना 27। तो यहाँ पर बच्चों ये आ गया एन, लेकिन हमें फॉर्मूला वही अप्लाई करना है। देखो नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करने के लिए तो ये आता है एन, और एन माइनस यहाँ पर 3 और यहाँ पर आएगा 2। इससे क्या फाइंड आउट करते हैं, डायगोनल, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल। बट गिवन कितना है 27, ठीक है, इस तरीके से। आइए एन को एन से मल्टीप्लाई करते हैं, एन स्क्वायर, और एन को 3 से करते हैं 3n, और 2 इधर डिवाइड की फॉर्म में, इधर आकर ये किस फॉर्म में आ गया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर आइए इसको लिख लेते हैं एन स्क्वायर माइनस 3n, और यहाँ पर 27 टू जा होता है 54, ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहीं पे मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, एन स्क्वायर माइनस 3n, और ये 54 को ना इधर ले आते हैं तो इधर आकर ये माइनस का हो जाता है और इक्वल यहाँ पर आ गया 0। अब हमें करना क्या है बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर हमें फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा माइनस 54 एन स्क्वायर, और यहाँ पे जो मिडल में टर्म लिखा ना, इसके हमें फैक्टर करने हैं। इस तरीके के फैक्टर करने हमें टू नंबर लेने हैं, यानी जिसकी मल्टीप्लाई की थी वो तो एक तो माइनस का था और एक क्या था, प्लस का था, ठीक है। तो हमें भी दो टू नंबर लेने, एक माइनस का लेना है और एक प्लस का लेना है। तो ऐसे नंबर लेने हैं कि उनको हम मल्टीप्लाई करें तो 54 आए, और उनको आपस में क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं, और माइनस करें तो 3 आए, जी हाँ, वो होते हैं 9 और 6, ठीक है बच्चों, 9 और 6। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, इसका मतलब बड़े नंबर पर माइनस का रखेंगे और छोटे पर, छोटा नंबर 6 है तो उस पर रखना प्लस का, ठीक है, साथ ही एन को साथ लिखना। तो जैसे लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस 9n और प्लस 6n, इस तरीके से। अब माइनस प्लस माइनस करें तो 3n आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाता है, ठीक है, माइनस 54। तो हमने 3 के फैक्टर लिख दिए। आप इसमें से पेयर बनाकर कॉमन नंबर निकाल लीजिए, कॉमन इसमें दोनों में n है, n आ गया, तो यहाँ पर बचा n और यहाँ पर 9, ठीक है, प्लस दोनों में कॉमन है 6, यहाँ पर n, और माइनस प्लस माइनस 9, 6 की टेबल में 54 आएगा 9 पर, तो इस तरीके से। अब देखो दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ गए तो इसका मतलब क्वेश्चन ठीक है। तो n प्लस 6, एक तो ये आ गया और एक आ गया n माइनस 9, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर 0। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n देखो यहाँ पर माइनस 9 है, इधर आकर ये प्लस 9 हो गया, और कोमा ये प्लस 6, इधर आकर ये माइनस 6 हो गया। अब देखो किसी भी पॉलीगन की जो साइड है वो माइनस में तो होगी नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ये वाला, यानी पॉलीगन की जो साइड है वो कितनी है, 9 है। तो यहाँ पर एक बार फिर मैं लिख देता हूँ, द ये आप नीचे लिख लीजिए क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगॉन इक्वल टू 9, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया।
तो ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इसमें से सीख कर दूसरों को जरूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।